दोस्तों, बॉलीवुड में कास्टिंग काउच एक ऐसा काला सच है जो नए टैलेंट को इसी बदनामी के रास्ते ले जाता है। कास्टिंग काउच का सच कुछ लोग दबी जुबान से मानते हैं तो कुछ झुटला देते हैं। हालांकि सच ने कई ऐसे स्टार्स को प्रभावित किया है जो आज बॉलीवुड में जाना माना चेहरा है। लेकिन आज के इस खास वीडियो में हम एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कास्टिंग काउच के नाम से इंडस्ट्री में पूरी तरह से बदनाम है, जो अपने ऊंचे ओहदे की आड़ में कास्टिंग काउच के द्वारा नई नई लड़कियों को इस्तेमाल किया था, और वो डायरेक्टर है सुभाष घई। सुभाष घई के असली चरित्र के बारे में कई लोगों को नहीं पता है। वो असलियत में कैसा व्यक्ति है ये आज की इस वीडियो में देखकर आपको पता चल जाएगा। सुभाष घई का जन्म 14 जनवरी 1945 को नागपुर में हुआ था। इनके पिता दिल्ली में एक डेंटिस्ट हुआ करते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। सुभाष घई ने अपने कॉमर्स की पढ़ाई रोहतक हरियाणा से की है। इसके बाद सुभाष घई पुणे शिफ्ट हो गए ताकि वो फिल्म एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकें। फिल्म मेकिंग और एक्टिंग का कोर्स करने के बावजूद सुभाष घई को इंडस्ट्री में कोई काम देने को तैयार नहीं था। इसके बाद इन्होंने एक फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। इस कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना और धीरज कुमार ने भी हिस्सा लिया था और दोनों ही कॉम्पिटिशन जीत लिए और सुभाष घई वहां पर हार गए। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद राजेश खन्ना को तो इंडस्ट्री में तुरंत काम मिल गया था, लेकिन घई को एक साल के बाद एक छोटा सा रोल मिला जो बतौर आर्टिस्ट के तौर पर था। घई की पहली फिल्म थी 1968 में आई तकदीर। इसके बाद 1969 में राजेश खन्ना के साथ में एक फिल्म आई थी आराधना। उसमें भी सुभाष घई एक छोटी सी भूमिका में थे, यानी 2-3 फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों में बहुत छोटे छोटे रोल करने को मिले थे। इसके बाद 1976 तक ऐसे ही 2-4 छोटे मोटे रोल करते रहे। 1976 में ही पहली बार सुभाष घई को एज अ डायरेक्टर बनने का मौका मिला। फिल्म का नाम था काली चरण, जिसकी स्क्रिप्ट खुद सुभाष घई ने ही लिखी थी और इसे डायरेक्ट भी खुद सुभाष घई ने किया था। सुभाष घई अपनी जवानी के दिनों में ही रंगीन मिजाज का हुआ करते थे। यही कारण था कि उन्हें अश्लील व्यवहार करने के कारण अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साल 1970 में उमंग नाम की एक फिल्म में एक छोटी सी भूमिका उसको मिली थी, जिसमें सुभाष घई पर लड़की छेड़ने का आरोप लगा था। सुभाष घई का करियर एक्टिंग में बहुत डामाडोल चल रहा था, इसलिए उन्होंने खुद ही फिल्म की कहानी लिखी और खुद ही उसे डायरेक्ट किया। पहली फिल्म जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में थी, वो सुपरहिट रही। बस इसके बाद तो सुभाष घई पूरी तरह से डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ गए। सुभाष घई ने कास्टिंग काउच करना कब से शुरू किया था या इन कामों में वो कब से इन्वॉल्व है, ये कहना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, क्योंकि एक्टिंग में आने से पहले ही ये सुभाष घई कई बार लड़कियों को छेड़ चुके थे। पहली बार सुभाष घई का नाम जुड़ा था 1980 में फिल्म कर्जी के दौरान टीना मुनीम के साथ। जी हाँ, टीना मुनीम को जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि टीना मुनीम आज के समय में टीना अंबानी के नाम से जानी जाती हैं, जो कि धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी की पत्नी हैं। टीना मुनीम उस वक्त संजय दत्त के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर कर्जी के साथ टीना और सुभाष घई का नाम पहली बार सुनने को मिलता है, जिसके बाद सुभाष घई का नाम खूब चर्चा में रहा माधुरी दीक्षित के साथ। माधुरी दीक्षित सुभाष घई की राम लखन फिल्म में नजर आई थी 1989 में। इससे पहले माधुरी दीक्षित बहुत बड़ा नाम नहीं थी, उनका बड़ा ब्रांड वैल्यू भी नहीं था। राम लखन में माधुरी को कास्ट किया गया और इसी के साथ दोनों के बीच जो नजदीकियां थी उनकी जोरों शोरों से चर्चा होने लगी। और फिर राम लखन की शूटिंग से पहले ही सुभाष माधुरी के नाम को मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, ताकि लोगों को लगे कि ये नया चेहरा है। लेकिन घई की मेहनत पर पानी तब फिरा जब राम लखन से पहले माधुरी की तेजाब नाम की एक फिल्म आ गई, और वो भी अनिल कपूर के साथ। फिल्म रिलीज होते ही चारों तरफ तेजाब फिल्म के गाने और एक्टिंग की तारीफ होने लगी। माधुरी की इसी सफलता का फायदा मिला राम लखन को, जिसमें माधुरी के काम की बहुत ज्यादा तारीफ की गई। अब सुभाष घई माधुरी दीक्षित को छोड़ने को तैयार नहीं था, जिस कारण उनके अफेयर का किस्सा सबके सामने आने शुरू हो गए थे। लेकिन इसे अफेयर कहना तो गलत होगा, क्योंकि ये तो सुभाष रोल देने के बदले नई नई लड़कियों का इस्तेमाल किया करता था। माधुरी नई थी तो उसे अपने कब्जे में रखना चाहता था। दूसरी तरफ अगर बात माधुरी दीक्षित की जाए तो माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री में सफल तो हो रही थी। उनकी पहली फिल्म सफल हो गई थी जो कि थी तेजाब, लेकिन वो अभी किसी बड़े एक्टर या फिर डायरेक्टर का हाथ अपने सर पर रखवाना चाहती थी ताकि वो उसे गॉडफादर कह सके।
और उसका सपोर्ट ले सके। इसके बाद माधुरी का अफेयर शुरू हो गया संजय दत्त के साथ, लेकिन माधुरी और सुभाष का जो याराना था वो ऐसे ही बना रहा था और दोनों ने एक दूसरे का भरपूर फायदा भी उठाया था। सुभाष घई से नजदीकियों के बदले में माधुरी को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। सुभाष घई की सिफारिश पर माधुरी दीक्षित को कई फिल्में भी मिली थी। साल 1991 में सुभाष घई के साथ एक ऐसा हादसा होता है जिससे सुभाष घई पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। दरअसल 1991 में सुभाष घई की एक फिल्म आई थी सौदागर। शायद आपको पता होगा कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार मेन रोल में थे, जिसमें मनीषा कोइराला को पहली बार हिंदी फिल्म में काम मिला था। उससे पहले मनीषा ने एक नेपाली फिल्म में काम किया था जो कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। सौदागर में सुभाष ने मनीषा को कास्ट किया, फिल्म बनी, सुपर हिट भी हो गई, मनीषा के कारण नहीं बल्कि राजकुमार साहब की वजह से। लेकिन समस्या तब आई जब फिल्म रिलीज होने के बाद मनीषा की मां ने मीडिया में सुभाष घई पर आरोप लगाया था कि सुभाष ने मनीषा को फिल्म में रोल देने के बदले सुभाष के साथ हम बिस्तर होने के लिए कहा था, लेकिन उनकी बेटी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद सुभाष घई का किसी हीरोइन के साथ नाम तो नहीं जुड़ा, लेकिन सभी को पता चल चुका था कि सुभाष अपनी फिल्म में किसी लड़की को तभी काम देता है जब वे उसके साथ एक रात गुजारती हैं। उसके बाद भी सुभाष घई को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि घई जिस हीरोइन को अपनी फिल्म के लिए अप्रोच करता था वो हीरोइन तभी हाँ करती थी जब वो सुभाष घई के साथ हम बिस्तर होने को तैयार रहती थी। और ऐसे ही वाक्य जुड़ा परदेश मूवी के दौरान महिमा चौधरी के साथ। महिमा चौधरी का सुभाष घई के साथ नाम जुड़ा और फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियां भी बढ़ी और चर्चा का विषय भी बना। 1999 में एक फिल्म बन रही थी ताल, जिसमें अक्षय खन्ना और अनिल कपूर थे, दोनों ही मुख्य भूमिका में थे और ऐश्वर्या रॉय फीमेल लीड में थी। ऐश्वर्या रॉय ताल से पहले 4 फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन असली पहचान मिली थी हम दिल दे चुके सनम से, जो उसी साल 1999 में आई थी। सलमान ऐश्वर्या की कहानी भी इसी फिल्म से शुरू हुई थी। सलमान ने सुना कि सुभाष घई कोई फिल्म बना रहा है और नई हीरोइन की तलाश कर रहा है, तो सलमान ने सुभाष घई को ऐश्वर्या की सिफारिश कर डाली। अफवाह तो ये भी थी कि किसी बात पर सलमान खान ने एक पार्टी के दौरान सुभाष घई को थप्पड़ भी मार दिया था, क्योंकि सुभाष ने सलमान खान को ऐश्वर्या को अपने फार्म हाउस में अकेले भेजने को बोला था। सुभाष ऐश्वर्या को जिस फार्म हाउस में बुला रहा था वो फार्म हाउस इसी काम के लिए प्रसिद्ध था कि सुभाष घई वहां हीरोइनों के साथ मौज मस्ती करता और रातें गुजारता था। सलमान खान इसी बात को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि सलमान खान ऐश्वर्या राय से प्यार करने लग गए थे और वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उसकी नई गर्लफ्रेंड को रात गुजारने को बुलाए या फिर उस पर गंदी नजरें गड़ाए। इसी बात से सलमान खान ने सुभाष को थप्पड़ मारा था। सुभाष घई जैसा बड़ा फिल्म मेकर जिसमें माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, महिमा चौधरी जैसे हीरोइंस के करियर को आसमान पर पहुंचा दिया था, वो फिल्म मेकर अपनी अगली फिल्म के लिए नई हीरोइंस की तलाश कर रहा था। ये बात जब ऐश्वर्या के कानों तक पहुंची तो वो सुभाष घई से पर्सनली मुलाकात करती हैं और उसे फिल्म मिल भी जाती है। और ये फिल्म कैसे मिली उस दौरान मीडिया में काफी चर्चा भी होती है, क्योंकि फिल्म के सेट से दोनों की ऐसी तस्वीरें मीडिया में आने लगी थी जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वे दोनों दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं हैं, यानी उससे कहीं ज्यादा हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना गॉडफादर बनाना था, इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। दूसरी तरफ सलमान खान की बात की जाए तो सलमान खान ये सोचकर खुश हो रहे थे कि उनकी नई नवेली गर्लफ्रेंड ने सुभाष घई के साथ बिना रात गुजारे मूवी पा ली। सुभाष घई का रिकॉर्ड रहा है कि उसकी ज्यादातर फिल्में हिट होती है और ये एक वास्तविकता है, और इसी बात का वो फायदा भी उठाता था। और सुभाष ऐसी हीरोइनों को अप्रोच करता था जो या तो एकदम फ्रेश होती थी या फिर वो उनको पकड़ता था जो लड़कियां अभी तक इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही कर रही होती थी, क्योंकि एक सक्सेस और सेटल हीरोइन जल्दी हम बिस्तर होने से राजी नहीं होती जितनी जल्दी नई लड़कियां हो जाती हैं। और ये भी एक हकीकत है कि सफलता भी तभी मिलती है जब कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कॉम्प्रोमाइज मैंने कभी नहीं सुना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट में जो कि सुभाष घई के फॉर्म हाउस में जाने वाली लड़कियों की है, उसमें करीना कपूर का भी नाम शामिल है और भी बहुत सी हीरोइनों का नाम शामिल है। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है तो सुभाष घई ही जाने। आज के इस वीडियो में बस इतना है।